आगे जाके बेटा हमारी पीढ़ी में है तो हमारी मैं बिल्कुल नाश कर देगा, यो बिल्कुल नुकसान हो जाएगा अगर ये तीनों कानून उल्टे ले लेगा, और तो जमींदार सुखी हो जाएगा, नहीं तो किसान का बेटा बर्बाद कर दिया जाएगा। हम अपने अकेले लड़ रहे हैं किसान भाई, कितने दिन के पड़े हैं, क्यों नहीं सुनाई कर रहे हमारी, क्यों हम सरकार के हम बंदे नहीं है, क्या हमारी सुनाई क्यों नहीं कर रहा, तो राजा प्रजा की तरफ नहीं देखता ना, तो कैसा राजा है ये, अन्याय कर रहा हमारे साथ। इन्हें रेल बेच दी, अरे इसने एयरपोर्ट बेच दिए, इसने बस बेच दी, इन्हें बिजली बेच दी, अरे ये अपने बाप अंदाता ने बेच रहा, अपनी माता धरती ने बेच रहा, और क्या बेचेगा यू, जिस दिन का यो मोदी बैठा भाई उस दिन का नुकसान करना है, इसका तो कुछ नहीं सा शर्म नहीं आ रही, इतना बड़ा है यो के तू को बालक सा नेता बना रखा, अरे बुढ़ा हो रहा दौड़े यार एक है, इन्हें न्यू तो बेरा होगा ना, अकबर बोले कितना बालक दुखी होने लग रहे किसान के, इसका तो कोई है नहीं, इसकी कमाई का खावा है, ये तालवा खावा, खीर खाओ, फलाना खाओ, बढ़िया लत्ते पारा, अपनी कमाई का सब कुछ लिया बैठे ना, हम बार भी तरजाम देख ड्रेस ले रहे कि हमारी कमाई की है, आन जान की है, वो 20-20 लाख का कोट पारा लग रहा कि जा रहा, वहाँ किसकी कमाई, वहाँ भी तुम्हारी कमाई है। किसान अंदोलन की बच्चे बच्चे की जुबान से चढ़ गया है कि किसानों का हक इत्थे रख, इस तरह के नारे देखने मिल रहे हैं। किसानों के इस अंदोलन के जितों बजुर्गों ने नौजवानों को दसिया तो नौजवानों तो बच्चे सीखन लगे ने, बच्चे भी अपनिया मावां दे नाल इत्थे आ गए ने, तुसी देख सकते हो हाथों के झंडे ने। बच्चे कहाँ से आए हो, क्या नाम है? मेरा नाम से आया हूँ। कहाँ से आयो? नेपाल से, सोनीपत से। और अपनी अजय माताओं के साथ आप आए हो, क्या करने आए हो यहाँ पे दिल्ली बॉर्डर पे? हकले ने। और किसने बताया कि हक लेना है और क्यों जाना है वहाँ पे? मेरी माता ने। अच्छा, क्या क्या बताया उन्होंने? कानून खराब है ये बता रहे हैं आप? हाँ। आप इनके साथ आए हो, बच्चे क्या पूछते हैं और आप क्या बता रहे हो इनको? बच्चे हमसे पूछते हैं माँ ये क्या हो रहा है, माँ भाई ये किसानों का तीन कानून ये खराब है, ये कैसे ये उल्टे ले लेगा मोदी, अरे तो किसान ने तो सुख हो जाएगा, नहीं तो किसान ने दुख का धोखा कोरा, अरे किसान की तो कहीं बूझ नहीं है बेटा, मैंने ये बताया इसे आगे जाके बेटा हमारी पीढ़ी में है तो हमारी मैं बिल्कुल नाश कर देगा, यो बिल्कुल नुकसान हो जाएगा अगर ये तीनों कानून उल्टे ले लेगा, अरे तो जमींदार सुखी हो जाएगा, नहीं तो किसान का बेटा बर्बाद कर दिया जाएगा। तीन कानून वापस हो जाए किसान है दो भारत में जितने भी हैं वह बर्बाद हो जाएंगे अगर ये कानून इसने नहीं लिए वापस, अगर ये कानून वापस ले लेगा और तो हम इसकी भी जजाकार करेंगे और हमारे किसान भाई भी सोखता रहेंगे, नहीं तो हमारे किसान बेटे बिल्कुल बर्बाद कर देगा ये अगर ये कानून वापस नहीं लिया तीसरे, इस कानून में कोरा धब्बा है, कोरा पाप है। कई दिनों से मैं देख रहा हूँ इस आंदोलन में जो खास करके हरियाणा की महिलाएं हैं जो लगातार शमूलियत कर रही हैं इस धरने में, इस मुजाहरे में, तो आपका क्या कहना है, इतनी अजय संख्या में जो आने लगे हैं लोग फिर से दोबारा, तो इसका मकसद क्या हो सकता है, क्योंकि पीछे बीच में ये भी बात चली थी कि मुड़ने लगे हैं लोग? नहीं मुड़ेंगे नहीं। ये मुड़े नहीं थे, देखो ये आना जाना तो लगा रहता है क्योंकि किसान के बेटे हैं, अपना काम भी संभालते हैं, बॉर्डर पर भी आते, डरा कोई नहीं है, डरना किससे था, क्योंकि हमारे बेटे हैं वो पुलिस में, हमारे बेटे ऊपर जा रहे हैं हमारे बेटे भाई हैं, और फिर डरेंगे क्यों, क्योंकि ये नहीं हुआ कि भी अपना काम निमटा दे गए वापस आते गए, डरा कोई नहीं है, अरे डरने क्यों गए, डरेंगे अपना हक मांग रहे हैं। आप कहाँ से आए हो? हरियाणा से, सोनीपत। मैं आप भी कुछ कहना चाहते थे, क्या बोल रहे थे अभी? यही बोल रहे थे कि हम अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, किसान भाई कितने दिन के पड़े हैं, क्यों नहीं सुनाई कर रहे हमारी, क्या बात है, जब हम अपने परिवार ना हमारे सारे जो मजदूर भी हैं किसान भी हैं सब अपना धंधा छोड़ छोड़ कर यहाँ पड़े हैं, तो क्यों नहीं हमारी सुनाई, क्यों हम सरकार के हम बंदे नहीं है, क्या हमारी सुनाई क्यों नहीं कर रहा? आप भी वोट डालते हो तो आप भी सुन, तो हम नहीं सरकार के आदमी हो, हम भी ना तो वोट दे को बनाया होगा ना, अपनी जिंदगी में जब से वोट बनाया आपका कितनी बार इस्तेमाल किया आपने? हम तो जितने बार आए हर एक बार इस्तेमाल किया है अपनी वोट का, उसके बदले में वोट का इस्तेमाल करने के बदले में जो जो चाहिए आपको कुछ मिला? जो चाहिए है वो क्या मिल रहा है, अब देख लो ना, जब सब कुछ बेच दिया तो हम क्या खाएंगे, किसान के ऊपर पूरा भारत पूरा संसार निर्भर है, किसान गेहूं नहीं मिलेगा तो क्या खाएगा, क्या गरीब मजदूर खाएंगे, तो क्या स्थिति होगी भारत की, देखो
इन्हें रेल बेच दी, अरे इसने एयरपोर्ट बेच दिए, इसने बस बेच दी, इन्हें बिजली बेच दी, अरे ये अपने बाप अंदाता ने बेच रहा, अपनी माता धरती ने बेच रहा, और क्या बेचेगा यू, क्या बेचेगा यो, इस और बड़े इंसान ने इसने मोदी ने न्यू नहीं पता अगर मात बाप हमारी सहायता करेगा, हमारी मदद करेगा, देश का राजा है तो राजा प्रजा की तरफ नहीं देखता ना, तो कैसा राजा है ये, अन्याय कर रहा हमारे साथ। किथों दे राजे ने जेड़े अन्याय कर रहे ने, इन्हां नूं न्याय नहीं मिल रहा, ये कहिंदे जे तुसीं अपनी मां नूं जमीन नूं ही वेच दिता तां पिछे बचदा की है, इस तरह दीआं गल्लां कर रहीआं हैं बीबियां, हरियाणे तो आए हैं, सोनीपत के इलाके के नेड़े तेड़े के पिंडां तो आए ने। मेरा एक सवाल है आपसे, आपको ये कानून नहीं चाहिए तो और कैसे कानून चाहिए? हमने कानून ये चाहिए जो जमींदार के हक में हो, ये तीन हुआ पिछले लेगा जमींदार का, अरे कम से कम इन्हें बात चाहिए, जमींदार ने बात चाहिए, अरे यू खार का बामंदा करता ना, दवाई का मंदा करता ना, यू हमारी मांग तो पूरी नहीं कर रहा, वो पूरी करो, हम ये चाहो बस, जो हमारी मांग है के बा कर रखा है ना, मक्का का क्या बा कर रखा है, के इसने दाना करेगा, अगर के गी वहां करेगा, यू क्यों जमींदार ने मारना सोच, यू तो जमींदार की छाती पे बैठ गया। जैसे फसलों के आप बता रहे हैं कि भाव में मिलते नहीं है उस तरह के, लेकिन जब आप इलाज करवाने जाते हो अपने परिवार का, तो इलाज तो बहुत महंगा है कि जो वो भी उस हिसाब से हो जाता है जिससे आपकी पहुंच में माओ कुछ नहीं होता ना, कोई इलाज होता, कोई सरकारी में कुछ नहीं हो रहा है, जितना कर लग रहा है, जिस दिन का यो मोदी बैठा भाई उस दिन का नुकसान कर लग रहा है, इसका तो कुछ नहीं, शर्म नहीं आ रही, इतना बड़ा है यो के तो बालक सनेता बना रखे, अरे बुढ़ा हो रहा दौड़े यार, एक इन्हें न्यू तो बेरा होगा ना, अकबर बोले कितना बालक दुखी होने लग रहे किसान के, इसका तो कोई है नहीं, अलमत मोदा भाई बहन थे बह था है कि कुरान आप क्या बोल आगे ना पाछा से मोदी कैसे ना दया धर्म किया इसका है न्यू बता है सब के बेच कर कर दिया। उम्र कितनी है मेरी? मेरी तो 70 से भी ऊपर है, 4 साल। तो आपको जो पेंशन मिलती है उससे गुजारा अच्छे से होता है? कोई पेंशन और ना मिलती, हाँ कुछ भी ना मिलता, मारा था सब बेच का दर दिया, हम क्या खा क्या हमारे बच्चे खाऊंगे, जो लोग हैं आपके बच्चों को उस तरह से रोजगार मिला है जैसे मिलना चाहिए था, और जो ये किसान है ये भी नहीं बना होगा तो क्या खा गाओ मोदी डेड है। आप क्या आप भी इनके साथ आए हैं जैसे ये बोल रहे हैं, आप क्या कहना चाहोगे इस आंदोलन? हम तो बोलन जोगे छोड़े नहीं रखे बेटा, अगर हमारे एक बेटे ने ये नौकरी दे देता हम 10 पेट हुए ना, पर जब ना छोटी छोटी बात में बड़ो हुआ मुन तक हो हमारे नो बताओ, मारे बालक ना रोजगार दो 20 पेट हुए ना पीछे भर जाओगे हमारे परिवार के नो बता दो, मार दो है के इन्हें किसान बेच दिया तो धरती माता गई खत्म होगी, तो डरेगा कि ना डरेगा, भूखे तो शायद पैसे अपनी खबात खा रहे उसमें भी हलवा पूरी अपनी खबात का कुछ भी खा सका आदमी, इसकी कमाई का खावा है, ये तो हलवा खावा खीर खाओ फलाना खाओ बढ़िया लत्ते पार अपनी कमाई का सब कुछ लिया बैठे ना, हम बार भीतर जाम तो एक ड्रेस ले रहे कि हमारी कमाई की है आन जान की है, वो 20-20 लाख का कोट पारा लग रहा कि जा रहा, वहाँ किसकी कमाई, वहाँ भी तुम्हारी कमाई है, वहाँ किस गई जींस वाले जमींदार होते हैं और क्या जमींदार है उगाड़े अंडेंगे। बीबियां का गुस्सा बहुत ज्यादा है, हरियाणे तो वे आए ने सोनीपत के नेड़े तेड़े के इलाके तो, इन्हों का गुस्सा इस कदर है, कहिंदे जे साडे बच्चों रोजगार मिल जाता तो सानू की लोड़ सी सड़कों के उत्ते रोलन की, ये कहिंदे जिहड़ा सानू कहा जा रहा है कि खीर खांदे आ जां होर पकवान खांदे आ, ये साडे कमाई दे कमाए होए ने, कमाई की है इस करके असी खा रहे हैं, किसी का दिता नहीं खा रहे बीबिया दे विच। जब गाजर पाक बना उना बनता अपनी खेतों में गाजर उगा के, जब गाजर पाक बना है और उ ना बनता खेतों च गाजर उगाने जरा गाजर पा भी खाने, 4 बजे उठ के धारा कटते हैं ता करके जाके खीर बनती है, तो यह सारी अपनी कमाई दी गल्लां दस रहे हैं, तो एक ही इन्हों की मंग है कि कानून है जेडे इन्हों नहीं चाहिए वो रद्द होने चाहिए है, इन्हों बीबिया के गुस्से तो लगता है कि पिंडा दे विच धरातल है जिथे ग्राउंड है उत्थे लोग सुखी नहीं, तो लोग सुखी करन दे वास्ते सरकार की जिम्मेवारी है, तो सानू उम्मीद है कि इन्हों लोगों की सरकार जरूर सुनेगी। कैमरामैन सुखदेव के नाल संदीप लादू का, प्रो पंजाब टीवी, सिंघू बॉर्डर, दिल्ली।